हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा साथियों, आज ये ब्लॉगिंग हमारे घर से शुरू हो रही है। यानी कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा है कि हम पुणे से कैसे अपने घर यहाँ सुल्तानपुर पहुँचे, जिसको हम अयोध्या अयोध्या कहते हैं। अयोध्या इसलिए कहते हैं कि सुल्तानपुर काफ़ी कम लोगों को पता है। यहाँ का पहला ब्लॉग है आज। इससे पहले आपने हमारे दोनों ब्लॉगों को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। नेचुरल वादियों से अब आपको आगे के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। एक्चुअली यहाँ पर मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, करीब करीब 6:30-7, और पुणे में होता है तो करीब करीब 9:30-10 बज जाता है उठते उठते कभी कभी। तो खैर, यहाँ का वातावरण ही वैसा है जो अपने आप बॉडी अडॉप्ट करने लग जाती है। मेरे सामने देखो कितने सारे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। इसको देखने के लिए मैं 60-60 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर दूर जाता था। ये देखो इतने सुंदर सुंदर इतने पेड़ है, और यहाँ पे ना एक एक से बर्ड आती है यार। मतलब मैंने कल दो अलग अलग तरह के बर्ड्स देखे यहाँ पर, एकदम ही यूनिक। ऐसे बर्ड मैंने तो पुणे में देखे ही नहीं। और ये देखो मेरे सामने मेरी सिद्धि आ गई है। कहाँ है सिद्धि? छत पे। छत पे नानी क्या? नानी क्या? अले अले अले, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, अभी मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ। कहाँ घूमने चलोगी? जहाँ आप घूम के आए थे तो आप ही चलूंगी फिर। अच्छा अच्छा, चलो चलो हम लोग अपना नाना की बाइक दिखाते ना। हाँ, चलो चलो। कोई आया? कौन आया? कौन आया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कौन आया? वो देखो, कौन? पिंकी मासी। चाबुन क्या क्या है वो देखो। हैं, ये पहुंचा ही नहीं। पकड़ नहीं पा रही हूं। ऐसे ऐसे मैंने मैंने मोबाइल में देखा था, उसके पापा ने बड़ी दिया था क्या बड़ी, तभी उसने पकड़ ही नहीं पाया। फिर पापा कैश कर दे रहे थे। अच्छा, अभी अपने नाना की बाइक दिखाने जा रही हूँ ना। हाँ, अभी नाना की बाइक। चलो चलो, चप्पल निकालो। चप्पल ये हमारा खुशी है नामक। अच्छा, ये आपका है? हाँ। कौन चलाता है वो? आप चलाते हैं। तुम जा रहे हैं अभी मंदिर दर्शन के लिए। बहुत मस्त लग रहा है ना फूल, इसमें पीला पीला भी था। पीला वो पिंक वाला, ये वाला ना, ये वाला। सनी डे, सनी डे मंदिर आ गए हम। सनी देव के मंदिर आ जाओ। ये महादेव का मंदिर है, इधर शनिदेव का मंदिर है। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। कलिया महादेव की पूजा। हाँ। हेलो भाई, पूजा पूजा हो गई यहाँ पे, अब चलते हैं घर की तरफ। बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे ऐसे यहाँ पर। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो जय जय शंभु। मंदिर से घूम कर आए, फिर खाना पीना खाए, आराम किए, और अभी आरू को लेके जा रहे हैं बाजार घुमाने। तो आते यहाँ पर उसको बाजार जाने का मन हो गया है, और छोटा मोटा कुछ सामान लेना है। और धूप भी नहीं है आज, मौसम भी एकदम साफ है, ऐसे लग रहा है बारिश हो जाएगी। बादल ही रहेगा ऐसे ही? अच्छा, बारिश हो जाए तो क्या मतलब? अच्छा, मोबाइल तुम्हारे पास ही है, ये क्या बन गए तुम डाकू? तो आ गए हम लोग सुल्तानपुर बाजार, और बाजार में इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि दोपहर का समय है, लेकिन ट्रैफिक लग रहा है बहुत ज़्यादा। और इस जगह को क्या बोलते हैं? घंटा घर। चौक चौक जहाँ दुर्गा पूजा लगता है। अच्छा, यही लगता है ना? हाँ, दुर्गा पूजा। यही पंडाल वाला लगता है ना पूरा? हाँ।
अरे पूरा ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक ये रहा भाई मेरा दही वड़ा, टेस्ट करके देखो। अच्छा दही वड़ा ये? हाँ सुंदर एकदम अद्भुत। तुम टेस्ट मार के देखो तो आया और मैं दही वड़ा ना खाऊं तो ऐसा होता नहीं है। मिर्ची डाल दो, पतीसा नहीं है तो मिर्ची डाल दे दो। टिक्की मिर्ची डबल है सिंगल है? एक सिंगल। क्या बोल रहे हो ये का? एक गोप्रो। गोप्रो अब खाए दही बड़ा, अब खाए टिक्की। खराब इसी तरह ललचाएंगे। टिक्की खा के मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है कि अब सुल्तानपुर पूरा घूम लिया है। टिक्की नहीं खाया तो लगता कि कुछ तो मिसिंग है। शॉपिंग करो और टिक्की ना खाओ तो मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, मिसिंग वो कड़ी जुड़ गई है। हमारा शॉपिंग भी हो गया। चलते हैं घर अब, शाम का छत का वीडियो दिखाते हैं उसके बाद। चलो आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए जय जय सूर्य देव, एकदम मस्त शांत लग रहा है। आपको कहा था ना मैं, चलो आपको छत पे अपने लेके चलता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, पुणे जाता हूँ तो ये दोनों छत के बारे में हमेशा याद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से पूरा करीब करीब पूरा अगल बगल का इलाका दिखता है यहाँ से। आगे हमें नंबर 2 छत पे, और यहाँ की शाम बहुत ही निराली है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ से पूरा मतलब पूरा करीब करीब पूरा इलाका दिखता है यहाँ से। ये देखिए जय श्री राम की पताका, पापा ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन लगाया था इतनी बड़ी पताका। जय जय श्री राम। जहाज क्या है? गूंगी जहाज, गूंगी मतलब गूंगी, बिना बोले बिना आवाज वाली जहाज जा रही है। पता नहीं कौन से जमाने में आ गई है। हाँ लगाओ ना यहाँ पे टेबल, आज इधर चाय पीते। हाँ इधर चाय पीते। 3 महीने बाद आ रही है ये दूसरे वाले छत पे। कहाँ थी अब तक? नीचे ही रहते थे। स्कूल घर, स्कूल घर, किचन पर। बता कौन है ऐसा प्राणी? यहाँ पर कोई आता जाती सफाई हुई रहती है ना, जहाँ आना साफ करने की जरूरत ही नहीं है। सफाई करने जब गंदगी नहीं रही, सफाई करने कौन आएगा इधर? कुछ है ही नहीं। अभी ये छत ऐसे पूना में मिल जाए तो कबूतर लोग पूरा गंदा कर देंगे एकदम। कबूतर कहाँ गया सब? अपने घर गए। गांव के फालतू फालतू बात होता है। नहीं सबसे पहले ना यहाँ बात होता है, गर्मी बहुत है, गर्मी कम हो गई है, सीजन के हिसाब से बात होती है। इतना अच्छा रूप दिख रहा है, लाल लाल एकदम, ऐसे लग रहा है कितना कलर होगा उसके अंदर। फिरोजी, नौरंगी, पता ना कौन कौन सा कलर का आविष्कार किए। फिरोजी कलर हो जाते, असली कलर का नाम छोड़ के फिरोजी, नारंगी। हमारा स्पेशल क्या है? चना। इतना देखो आम का पत्ती है, पता है पत्ती है बेटा, थोड़ा उधर कर लो पैर। सेवा पे भोग पे भोग लग रहा है हमको आज। ये पहली बार खा रहा हूँ मैं, मिलने लगा के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पहले मैं खा ही लूंगी। भाई ये देखो मैं चाय बना के लेके आई हूँ, मेरे घर में कुल्हड़ था। अम्मी से बढ़िया चाय बनाई हो, पियो पियो। तो बनाओ तो ना, तब मेरे अच्छा लागत रहा, लेकिन हम बोले ना है। रुक जाओ भगवान का नाम लेके जय ला ला ला। चूर चूर कर तो ज्यादा हमें पता ना चला कहा गुस्सा निकाली। ऐसा बॉडी लग रहा है कैसा गुस्सा ऐसे। अरे ऐसे फेंका, प्यार से पी एक बात हो गया, आप मानना मत करा। कुछ ना कुछ नया नया चीज खा रहे हैं, टिक्की खाए फिर चना खाए, और अभी जा रहे सुने कथरी लग रही है हमारे यहाँ पर, अंदर का पूरा लग गया टेंट हमारा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।